सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले हैं अभी। मैं एग्जीक्यूट करके बताता हूँ कि हम क्यों एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेट द कैंडल क्लोज, कैंडल को क्लोज होने दें। 48 हो गया द टाइम आ रहा है, ये लेट इट क्लोज। ओके सो वी एंटर्ड हियर। सो हमने यहाँ क्यों एंट्री ली है, क्या रीज़न रहे, उसको डिस्कस करते हैं। मार्केट प्रीवियस काफ़ी डेज से कंटिन्यू अपवर्ड जा रहा है, ये तो हमें दिख ही रहा है। चाहे कोई भी न्यूज़ आ रही है, कुछ भी आ रही है, उसे कोई मतलब नहीं। इट इज़ लाइक कंटिन्यू अप 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 अप, देन आज कैप अप हुआ। शायद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट शायद, हम कुछ नहीं कह सकते। हम वही करेंगे जो मार्केट हमें बोलेगा करने के लिए। देन गो टू द 15 मिनट्स, 15 मिनट्स के चार्ट पे जाएंगे। अब सपोर्ट रेसिस्टेंस ये सब बनाना है, तो उधर तो कोई डाटा नहीं था, हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। सो हियर, एज यू कैन सी, मैंने इस जो इधर का सबसे लास्ट था बॉटम, जहाँ से एक चेंज हुआ था मार्केट में, मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, ऊपर गया, देन वापस यहाँ से नीचे गिरा, देन यहीं से कंटिन्यू ऊपर, तो एक स्विंग बना था। तो इस स्विंग के नीचे मैंने ये एक लाइन लगा दी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब मेरा ये था कि अगर मार्केट आज इस लाइन को ब्रीच करता है और नीचे क्लोज देता है, तो मैं पुट बाय करूँगा। ओके सो मैंने वही किया। 5 मिनट्स का चार्ट था, मैंने वेट किया इस लाइन के नीचे क्लोज होने का, प्राइस का, प्राइस क्लोज हुआ, मैंने यहाँ पे बाय किया, पुट को बाय किया, पुट एग्जीक्यूट किया है। अब लेट्स सी कि हमने क्या क्या रूल्स फॉलो किए या नहीं किए। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट था ही नहीं, आपने देखा बिल्कुल जो डिसाइड किया था उसी के अकॉर्डिंग हुआ है सब कुछ। 5 मिनट की कैंडल, तो 5 मिनट में तो हमने फर्स्ट 5 मिनट का तो ट्रेडिंग लिया, तो ये भी हमने फॉलो किया है। OI डाटा, सो OI डाटा लेट्स चेक क्या है OI डाटा। तो OI डाटा भी मैंने चेक कर रखा था उस टाइम पे, तो कॉल रेटिंग ज़्यादा है, पुट रेटिंग कम है। कॉल का रेट ज़्यादा होने का मतलब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, और पुट रेटिंग मतलब मार्केट नीचे नहीं जाएगा। तो ओवरऑल आज के चेंज है, बस आज में कॉल रेटिंग ज़्यादा हुई है, पुट रेटिंग कॉल के कंपेयर में कम है, पर एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है, यानी कि नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, बिल्कुल ही एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है। एंड ओवरऑल अगर मार्केट में देखा जाए तो पुट रेटिंग ज़्यादा है, कॉल कम है, पर पुट के अगर आप देखोगे तो स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, पर नियरेस्ट बार जो होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कंपेयर टू कॉल। कॉल रेटिंग के नियरेस्ट बार्स को देखो तो अलग ही एक स्ट्रॉन्गनेस दिखाई दे रही है, जो सबसे पास बार है। तो इसने मेरे को एक कंफर्मेशन दिया कि आज मार्केट नीचे जा सकता है। देन हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या रहेगा। सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपना प्रॉफिट कहाँ बुक करूँगा। तो लेट्स सी, एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे हम, CPR। मैं कभी कभार CPR यूज़ करता हूँ, अच्छा इंडिकेटर है। सो मैक्सिमम ऐसा होता है कि मार्केट अपने, एक मिनट, OI डाटा हमने चेक किया तो उस पर भी टिक कर देते हैं, 3 चीज़ें टिक हो गई हैं। सो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि मार्केट अपने CPR को टच करता है, मतलब 60% या 65% या 70% चांसेस होते हैं। इस गूगल इट कितने चांसेस होते हैं, पर दिन में एक बार मिनिमम CPR को टच करता ही करता है मार्केट। तो लास्ट काफ़ी डे से तो CPR को टच नहीं कर रहा, इधर टच हुआ, इधर टच हुआ, देन एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि इधर भी शायद CPR के पास आ सकता है। तो मैं मेन पिवट लाइन को एज अवर प्रॉफिट लेना चाहूँगा कि अगर मार्केट इधर आता है आई विल बुक द प्रॉफिट। नाउ हम अपनी ड्राइंग को क्लीन कर देते हैं, बिकॉज जितने ज़्यादा इंडिकेटर या सब होंगे तो उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न आएगा। तो ठीक है, तो दिस इज़ अवर एंट्री लाइन, इधर हमने एंटर हुए इस वाली कैंडल पे। एंड हम इधर प्रॉफिट बुक करेंगे। हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या रहेगा, हमारा ट्रेडिंग प्लान इस तरह रहेगा कि मार्केट अगर इन दोनों के बीच वाली लाइन, दिस वन द मिडल, अगर इस लाइन पे मार्केट आता है, अगर मार्केट इधर आएगा
तो मैं जो स्टॉप लॉस अभी लगाने वाला हूँ उसको जस्ट इस कैंडल के ऊपर रख दूँगा, जो ये हमारी एंट्री कैंडल है इसके जस्ट ऊपर मैं अपने स्टॉप लॉस को रख दूँगा, अपने स्टॉप लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए अगर कैंडल्स इसको क्रॉस करती है। एंड देन इसके बाद जब इस मिडिल को क्रॉस करेगी तो मैं एंट्री जहाँ पे बाइंग की है वहीं पे प्राइस ला के रख दूँगा। एंड फिर देन अगर हमें टारगेट मिलता है ठीक, अगर नहीं मिलता तो देखते हैं। अब हम लगा लेते हैं स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है, ये स्टॉप लॉस 23 इधर तक का मेरे को सही लग रहा है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस 160 पे लगाना चाहूँगा। लेट्स पुट अ स्टॉप लॉस एट 160। मैं फ़ोन से लगा रहा हूँ, फ़ोन से थोड़ा इजी पड़ता है स्टॉप लॉस फोन से। लेट मी डू, अभी हम 252 रुपीज़ के लॉस में चल रहे हैं, कहीं ये हमारा लूजिंग स्ट्रीक ना चल रहा हो अभी। 160 और लिमिट प्राइस 160, तो हमने 160 पे अपना स्टॉप लॉस लगा लिया है। तो हमारा एंट्री प्राइस है, एंट्री प्राइस 183.15 माइनस 160 स्टॉप लॉस, तो हमारा जो लूजिंग पॉइंट होंगे वो होंगे 23.15। मतलब टोटल अब हम अगर लूज़ करेंगे तो 1157.5, इससे ज़्यादा भगवान भी अब आ जाए तो हमारा लॉस नहीं सकता, हमने फिक्स कर दिया है। अब ट्रेल होगा तो ऊपर ही होगा, पर इसके नीचे मैं नहीं लूँगा। तो 1157 प्लस 65 रुपीज़ का टैक्सेशन लगा दो, तो टोटल आज जो हम लॉस लेने वाले हैं इस ट्रेड में वो हमारा मैक्स टू मैक्स 1222.5 रुपीज़ जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला। सो अब टिक कर देते हैं, सो 3 टिक तो हो चुके थे, 4th स्टॉप लॉस, यस स्टॉप लॉस हमने लगा दिया। अब नेक्स्ट क्या होता है मैं फर्दर इन्फॉर्म करता हूँ। सो टाइम इज़ 11:28, जो हमारा टारगेट था कि हम इस लाइन पर आके एग्जिट कर देंगे। सो दिस इज़ आवर टारगेट। एंड अब हम अपना प्रॉफिट बुक करने जा रहे हैं, जैसे कि हम कैंडल क्लोज होने का वेट करते हैं हमेशा, कभी भी जैसे एंट्री टाइम पे भी हमने कैंडल क्लोज होने का वेट किया, ये नहीं कि जस्ट लाइन नीचे मतलब प्राइस नीचे गया लाइन के एंड वी एंटर, नहीं, हम हमेशा उस कैंडल का क्लोज होने का वेट करते हैं। तो हमारा टारगेट ये था एंड मार्केट इज़ लाइक ग्रेटफुल, आज हम पे बहुत मेहरबान है, इट्स गोइंग मोर एंड मोर डाउन। लेट्स वेट, कैंडल क्लोज होने देते हैं, हम अराउंड 29:50 पे निकल जाएंगे, 50 सेकेंड्स पे, 50:55 पे। हमें लालच नहीं करना है कि और नीचे जा सकता है और क्या होता है, वी डोंट केयर। सो हमने अपना ट्रेडिंग प्लान बिल्कुल जैसा था वैसा का वैसा फॉलो किया। नाउ लेट्स एग्जिट, एग्जिट कैसे होता है यहाँ पे, अरे मैं फ़ोन से एग्जिट कर देता हूँ, नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हो गई, शिट इसमें एग्जिट। लेट मी लॉगिन हो रहा है फ़ोन से मेरे, हम कुछ सेकंड्स लेट हो गए हैं, पेंडिंग मॉडिफाई मार्केट एग्जिट, अरे मॉडिफाई मार्केट प्राइस एग्जिट। सो फाइनली हमारा एग्जिट हो गया, सो ठीक है हम लेट हो गए थोड़ा सा एग्जिट में, उसका हमने प्राइस भी पे कर ही दिया। वो एग्ज़िट क्यों नहीं हो रहा था मुझे समझ नहीं आया, यहाँ पे ऑप्शन तो आना चाहिए मॉडिफिकेशन का पर नहीं हुआ एग्ज़िट। सो 280 पे हमने एग्ज़िट किया है यहाँ पे, और अगर हम प्लान के अकॉर्डिंग चलते तो हमारा एग्ज़िट अराउंड इधर होता। सो हमने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए, लेट इट बी। सो हमने अपना ट्रेडिंग प्लान पूरा फॉलो किया, वी एंटर्ड अप हियर एंड हमारा जो प्रॉफिट टारगेट था हम उसका वेट करते रहे। एंड
इस कैंडल ने हमारे प्रॉफिट टारगेट को ब्रीच किया, हमने कैंडल क्लोज होने का वेट किया, हम लेट हो गए, वो मिस्टेक थी, मिस्टेक नहीं है, वो सिस्टम कैसे काम करता है नहीं पता था मेरे को, फ़ोन से ही एग्जिट मेरे को फ़ोन की ही हैबिट है, बट स्टिल ओके। सो हम देख लेते हैं, हमने 4 रूल्स फॉलो किए एंड 5th रूल भी फॉलो ही किया है, एग्जिट एट टारगेट, हमने टारगेट पे एग्जिट किया है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम याद रखेंगे फोन, पहले ही फ़ोन से एंट्री लेके बैठेंगे। एंड हमारा जो प्रॉफिट बुक हुआ वो हुआ है 4,855 रुपीज़ का, जो कि 5,050 रुपये समथिंग दिखा रहा था, बट वही एग्जिट कैसे कोई दिक्कत नहीं। तो 4,855 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट हो गया है, हमने रूल्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किए। एंड अब लास्ट रूल है हमारा 6th, कि हमें 1 ट्रेड पर डे लेना है, तो हम उसी पे ही रहेंगे कि 1 ट्रेड मीन 1 ट्रेड, हमें मतलब नहीं आगे मार्केट क्या करेगा क्या नहीं, मेरा एंट्री मेरा टारगेट मेरा एग्जिट सब कुछ अब अचीव हो गया, मुझे आगे इससे ज़्यादा मार्केट में कोई मतलब नहीं कि प्राइस कहाँ जा रहा है किधर जा रहा है। जैसे कि मार्केट अब और ऊपर जा रहा है, अब मैं सोचूं कि नहीं यार 280s पे इधर एग्जिट किया हमने, 20-30 पॉइंट और मिल जाते, 5,000-6,000 रुपये हो रहे थे, नहीं, अपन को रूल्स फॉलो करने हैं, रूल्स के ऊपर स्टिक रहो। कॉल चेंजेस अगर हम OI की बात कर लें तो कॉल चेंज 56.7 है, बहुत ज़्यादा कॉल रेटिंग है और पुट में इतना कुछ है नहीं आज। एंड ओवरऑल अगर मार्केट को देखा जाए तो कॉल स्ट्रॉन्ग है, कॉल की राइटिंग पुट की वीक है, मॉर्निंग में भी जैसे डिस्कस किया था कि मॉर्निंग में पुट की राइटिंग ज़्यादा थी, कॉल की कम थी, बट नियर बाय जो बार्स थे वो कॉल के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। सो ये आज हमारा ट्रेड रहा, और कुछ और तो नहीं है बताने के लिए इसमें, नहीं। एंड जब मिडिल लाइन को ब्रीच किया, मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करने वाला था, बट आई वॉज लुकिंग एट 15 मिनट्स चार्ट। मैं क्या करता हूँ, जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ तो 5 मिनट्स में करता हूँ, एग्जिट करता हूँ तो 5 मिनट्स ही कैंडल की स्टॉप पे करता हूँ। बट अगर मुझे एंट्री करने के बाद चार्ट में ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़न ना हो, एक होता है ना कि यार ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कन्फ्यूज़न टाइप का क्रिएट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कैंडल नीचे गया तो यहीं से एक ऊपर आने लगा, तो एक फियर क्रिएट होता है, नहीं प्रॉफिट जा रहा है प्रॉफिट जा रहा है। शायद यहाँ पे 2500 समथिंग का प्रॉफिट दिखा रहा था इस कैंडल पे, 2500 के प्रॉफिट में था, देन ऊपर जाता तो एक फियर क्रिएट होता है कि नहीं 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 ऊपर जा रहा है एग्जिट कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, एंट्री लेने के बाद हमारा टारगेट वो सब कुछ तो डिसाइडेड होता है, मैं 15 मिनट के चार्ट को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन करके रिलैक्स आउट करता हूँ कि हाँ ठीक है 15 मिनट का चार्ट देखूंगा। तो जब इसने मिडिल लाइन क्रॉस की, सो आई वाज रिलैक्स्ड कि हाँ मैं इसको करता हूँ, लेट इट क्लोज द 15 मिनट कैंडल, वो 15 मिनट की कैंडल ही पूरी फिर हमारे टारगेट तक चली गई। तो ये आज हमारा ट्रेड रहा, थैंक यू।